And welcome to our today's video in which we are going to discuss our unit number 3 challenges at school section number 1st which is the Mahatma's mark sheets. ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं कि महात्मा गांधी मतलब पढ़ाई में कैसे थे. ठीक है, तो अभी हम अगर यहाँ वाला ऊपर वाला पहले हम लोग बॉक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको यही दिया हुआ है कि आपने मतलब ऐसे जो भी ताने वगैरह है, ठीक है, जो भी टॉन्स वगैरह कितनी बार सुने होंगे अपने पेरेंट्स से या फिर टीचर से या दोनों से, ठीक है, कि तुम्हारे मार्क्स बहुत ज़्यादा बुरे हैं और तुमने मतलब अच्छा स्कोर नहीं किया है एग्ज़ाम में. तो अभी हम लोग मतलब ये पढ़ने वाले हैं कि चाहे ही हमारे अगर मार्क्स अच्छे ना हो फिर भी हम ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी कैसे थे एज अ स्टूडेंट. ठीक है, सो हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी एज अ चाइल्ड. सो महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन ऑफ द 20th सेंचुरी. के जो महात्मा गांधी थे 20th सेंचुरी, देखो 20th सेंचुरी मतलब जो 90s का दौर था. ठीक है, 1900 1980, ठीक है, जो भी 19 जिसके आगे लगता है वो 20th सेंचुरी हो गई. ठीक है, कि महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मैन थे ऑफ द 20th सेंचुरी. बट व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट हैड ही बीन, कि मतलब वो कैसे टाइप के स्टूडेंट थे ये तो हमें पता ही नहीं है अभी तक. तो हम इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. अवर क्यूरियोसिटी इन दिस रिगार्ड इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड द आंसर्स कैन बी फाउंड इन हिज ऑटोबायोग्राफी. तो हमारी मतलब इस चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी को मतलब ख़त्म करने के लिए ये चैप्टर बना है. एंड इस चैप्टर में जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, ठीक है, उनके रिजल्ट्स वगैरह की, वो कहाँ से ली गई है, उनकी ऑटोबायोग्राफी से ली गई है, उनकी मतलब बुक से ली गई है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, आपने सुना ही होगा इसका नाम. एंड कुछ मतलब केयरफुली प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड्स ऑफ वन ऑफ द स्कूल्स इन विच ही स्टडीज़. एंड कुछ मतलब रिकॉर्ड्स होते हैं ना स्कूल्स में, फाइल्स वगैरह स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें भी इनके मतलब रिजल्ट्स वगैरह या फिर स्टडी के रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं. गांधी हैड चेंज मेनी स्कूल्स बिफोर द एज ऑफ 10. के 10 के एज के पहले उन्होंने बहुत सारे मतलब स्कूल्स को शिफ्ट किया था, बहुत सारे स्कूल्स में मतलब पढ़े थे. ठीक है, मतलब एक साल किसी और स्कूल में, दूसरे साल किसी और स्कूल में, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे उन्होंने स्कूल्स चेंज किए थे 10 साल के पहले. बट स्पेंड 7 ईयर्स इन अ हाई स्कूल इन राजकोट. बट उसके बाद 7 साल उन्होंने एक ही स्कूल में गुजारे इन राजकोट. ही टेल्स अस दैट ही वॉज सर्टनली नॉट रिगार्डेड एज अ डंस. अभी डंस का मीनिंग क्या है, अ स्लो लर्नर, कि उसको स्लो लर्नर नहीं बोला जाता था. हिज सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर वर नेवर बैड. के उसके जो भी सर्टिफिकेट्स होते थे और उसके जो भी मतलब रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह होते थे वो भी कभी मतलब बुरे नहीं थे. ही इवन वन प्राइजेज एट द एंड ऑफ द सेकेंड स्टैंडर्ड एंड स्कॉलरशिप इन क्लासेज 4 एंड 5. ठीक है, कि उसने मतलब काफ़ी सारे प्राइजेज जीते सेकेंड स्टैंडर्ड के एंड में. ठीक है, एंड उसके बाद उसे 4th एंड 5th स्टैंडर्ड में इवन स्कॉलरशिप भी मिली थी. ठीक है, एंड येट ही सेज विद कैरेक्टरिस्टिक मॉडेस्टी. मॉडेस्टी का क्या मतलब होता है, मगर के अगर आप अच्छे भी हो फिर भी अपने आप को बुरा बताना, ठीक है, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे. ठीक है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक मॉडेस्टी का मतलब कि एक्सप्रेसिंग अ लोअर ओपिनियन ऑफ हिज एबिलिटीज़. के उसकी जो भी एबिलिटीज़ थी उसका एक लोअर ओपिनियन देना, उसका एक मतलब कम बताना. ठीक है, ओके, दैट वॉज ओनली ड्यू टू लक एंड नॉट मैरिट. तो वो क्या बोलते हैं अपने रिजल्ट्स को लेके, कि मुझे मतलब इतने मार्क्स मतलब मेरे लक से ही मिल गए हैं. ठीक है, मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिल रहे थे. एंड इन द लास्ट ईयर्स हाउ एवर हीज अटेंडेंस बिकम लैक्स. कि कुछ मतलब लास्ट फ्यू ईयर्स में क्या हुआ, जब भी वो पढ़ रहे थे उनकी जो अटेंडेंस थी लैक्स का क्या मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा कम हो गई. ठीक है, केयरलेस हो गई, बहुत ज़्यादा स्लैक हो गई. अ मियर 110 डेज आउट ऑफ 238. ठीक है, कि मतलब 238 की क्लासेस थी डेज की एंड वो सिर्फ 110 डेज आए थे. ठीक है, थर्ड स्टैंडर्ड में फॉर एग्जांपल हिज मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशंस नॉर्मली एवरेज बिटवीन 45 to 55%. कि उसके जो भी नॉर्मल एनुअल एग्जामिनेशंस में मार्क्स आते थे वो कितने होते थे, 45 to 55% होते थे. एंड ही वॉज इवन मेड टू रिपीट अ ईयर पार्शली ड्यू टू पुअर अटेंडेंस बिकॉज ही हैड टू अटेंड हिज सिक फादर. ठीक है, कि मतलब उसको एक जो भी स्टैंडर्ड था एक क्लास को रिपीट करने भी बोला गया था बिकॉज उसकी जो अटेंडेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा लो थी. अभी उनकी अटेंडेंस जो है वो लो क्यों थी, क्योंकि उनके जो पिताजी थे, उनके जो फादर थे वो सिख थे एंड उनकी अभी अभी शादी हुई थी. ठीक है, और उनको अपने फादर का एंड अपनी पत्नी का ख्याल रखना था. ही देन बिकेम अ सीरियस स्टूडेंट एंड गॉट एन ओवरऑल ऑफ 66.5%. ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो एक सीरियस स्टूडेंट बन गए एंड उन्होंने 66.5 परसेंटाइल
क्या किया, गेन किया, ठीक है. ही कुड नो लॉन्गर बी कॉल्ड अ मीडियोकर स्टूडेंट, कि उसको मतलब मीडियोकर स्टूडेंट नहीं बोला जा सकता था, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अच्छा स्कोर किया था क्योंकि, ठीक है. द मैट्रिकुलेशन एग्जाम सॉ हिम सिक्योर द 404th रैंक आउट ऑफ 799 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, ठीक है, कि उनका जो रैंक था मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में वो क्या था, 404th रैंक आया था, ठीक है. एंड दिस इज़ अ रियली वेरी गुड रैंक आउट ऑफ 799 कैंडिडेट्स, ठीक है. अभी देखो कि कितने मतलब स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए होंगे, फिर भी उनका जो रैंक है 404th आ गया था. तो ये है उनके मार्क्स, ठीक है. इंग्लिश में 89 out of 200, देन गुजराती में 45.5 out of 100, मैथमेटिक्स में 59 out of 175, जनरल नॉलेज में 54 out of 150. ओके, सो मच फॉर हिज अकेडमिक रिकॉर्ड्स, के उनके बहुत ज़्यादा अच्छे अकेडमिक रिकॉर्ड्स आए थे. बट डिड ही कोप इक्वली वेल विद ऑल सब्जेक्ट्स ही हैड टू स्टडी, के फिर भी क्या उन्होंने मतलब इक्वली सारे सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दी जो भी वो पढ़ रहे थे, ठीक है. कोप का क्या मतलब है कि डील सक्सेसफुली विद, ठीक है, कि क्या वो सारे सब्जेक्ट्स में इतने अच्छे थे जो भी वो पढ़ रहे थे. सो इन हिज वर्ड्स, इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मोस्ट सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फोर्थ स्टैंडर्ड, के फोर्थ स्टैंडर्ड से इंग्लिश मीडियम आ गया, ठीक है. मतलब जो सारे सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, मैथ्स वगैरह, साइंस वगैरह, ठीक है, वो सारे इंग्लिश में आ गए थे. एंड इट बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, फोर्थ स्टैंडर्ड से. आई फाउंड माई सेल्फ कम्प्लीटली एट सी. अभी कम्प्लीटली एट सी का क्या मतलब है, बिविल्डर्ड एंड अनेबल टू अंडरस्टैंड. अभी ऑब्वियसली आप मान लो कि आप बचपन से मतलब हिंदी सीखते आ रहे हो, ठीक है, आपको मतलब एकदम ऐसे फोर्थ स्टैंडर्ड में दे दिया हो कि भाई आपको ये सारा चैप्टर इंग्लिश में पढ़ के दिखाना है, तो ऑब्वियसली आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा उससे यूज टू होने में, ठीक है. तो यहीं पे वही दिया गया है कि वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बेविल्डर्ड हो गए थे एंड उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था थोड़े से टाइम के लिए. एंड ज्योमेट्री वॉज अ न्यू सब्जेक्ट इन विच आई वॉज पर्टिकुलरली नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है. फिर ज्योमेट्री भी एक नया सब्जेक्ट था, मैथ्स में होती है ना ज्योमेट्री, जिसमें वो यूज़ होता है स्केल्स वगैरह, प्रकार वगैरह, देन हो गया डी वगैरह यूज़ होते हैं जिसमें, ठीक है. एंड पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग एंड इंग्लिश मीडियम मेड इट स्टिल मोर डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है. ज्योमेट्री में वो वैसे ही नहीं अच्छे थे एंड इंग्लिश मीडियम ने उसे और भी ज़्यादा हार्ड बना दिया. द टीचर टॉट द सब्जेक्ट वेरी वेल बट आई कुड नॉट फॉलो हिम, कि टीचर ने बहुत ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाया, बहुत ज़्यादा अच्छा समझाते थे, बट फिर भी वो उनको फॉलो नहीं कर पाते थे. ऑफन आई वुड लूज हार्ट एंड थिंक ऑफ गोइंग बैक टू द थर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, कि फिर वो मतलब कई बार ऐसा भी सोचते थे कि भाई छोड़ो ऐसा पढ़ाई, मुझे थर्ड स्टैंडर्ड में वापस जाना है, ठीक है, कि मतलब बहुत ज़्यादा टफ है पढ़ाई यहाँ पे. सो व्हेन हाउएवर विद मच एफर्ट आई रीच द 13th प्रोपोजिशन ऑफ यूक्लिड, तो 13th प्रोपोजिशन ऑफ यूक्लिड क्या है, आपको फर्दर क्लासेस में आएगा ये फॉर्मूला, ठीक है. ये मतलब ज्योमेट्री का ही फॉर्मूला होता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद मुझे सिर्फ यही फॉर्मूला पल्ले पड़ा एंड द अटर सिंप्लिसिटी ऑफ द सब्जेक्ट वॉज सडनली रिवील्ड टू मी, ठीक है, कि थोड़ी सी मेहनत करने के बाद क्या हुआ, मतलब मुझे ये फील हुआ कि ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. अ सब्जेक्ट विच ओनली रिक्वायर्ड अ प्योर एंड सिंपल यूज ऑफ वन्स रीजनिंग पावर्स कुड नॉट बी डिफिकल्ट, कि एक ऐसा सब्जेक्ट, ज्योमेट्री में क्या होता है अपना दिमाग लड़ाना होता है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को खुरचना पड़ता है. मतलब मैथ्स में आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है एंड सॉल्व कर देना है, ठीक है. तो यही उनको मतलब बाद में रियलाइज़ हुआ कि इस सब्जेक्ट में सिर्फ एक बच्चे की रीजनिंग पावर्स की ज़रूरत है, ठीक है, बच्चे के दिमाग की ज़रूरत है. तो ये मतलब डिफ़िकल्ट हो ही नहीं सकता, इसमें तो कुछ याद रखने का है नहीं, ठीक है. एवर सिंस दैट टाइम ज्योमेट्री हैज़ बीन बोथ ईजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी, तो उसी समय से क्या हो गया उनके लिए, ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई, ठीक है. संस्कृत प्रूव्ड अ हार्डर टास्क, बट संस्कृत उनको थोड़ी सी हार्ड लगती थी, ठीक है. अभी यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ज्योमेट्री में मतलब कुछ भी नहीं था जिसको आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन को समझना है, सॉल्व करना है, उसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, है ना. वेयर इज इन संस्कृत आई थॉट एवरीथिंग हैड टू बी लर्नड बाय हार्ट, बट संस्कृत में क्या होता था, उनको लगता था कि सारी चीज़ों को आपको मन से याद करना पड़ेगा, पूरा ध्यान लगा के याद करना पड़ेगा. डिड द फ्रेल बट एगल, अभी फ्रेल एंड एगल का मतलब क्या है, कि नॉट स्ट्रांगली मेड और बिल्ट. फ्रेल मतलब कि ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं बनाना, मतलब यही बोला. एगिल एक्टिव एबल टू मूव ईजिली एंड क्विकली, के मतलब आलसी येट,
कि वो थोड़े से आलसी थे पर फिर भी एक्टिव थे. डिड द फ्रेल बट एगल गांधी इंजॉय फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स? क्या वो मतलब फिजिकल एजुकेशन को एंड स्पोर्ट्स को इंजॉय करते थे? इन द हायर क्लासेस द हेडमास्टर ऑफ ए स्कूल हैड मेड जिमनास्टिक एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉयज़. ठीक है, हायर क्लासेस में क्या हुआ, जो उनके स्कूल के प्रिंसिपल थे, जो उनके स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने क्रिकेट को एंड जिमनास्टिक्स को बॉयज़ के लिए कंपल्सरी बना दिया था कि खेलना ही पड़ेगा. बट गांधी डिसलाइक्ड बोथ. बट गांधी को मतलब दोनों ही नहीं पसंद थे. ही नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल. ठीक है, कि मतलब वो कभी भी किसी भी चीज़ में पार्ट नहीं लेते थे. ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बिकॉज देवर मेड बिफोर देवर मेड कंपल्सरी. ठीक है, कंपल्सरी होने के पहले वो कुछ भी नहीं करते थे, ना ही वो एक्सरसाइज करते थे, ठीक है, ना ही वो क्रिकेट में पार्ट लेते थे, ना ही वो फुटबॉल में पार्ट लेते थे. माय शाइनेस ही सेज, कि वो अभी क्या बोलते हैं, माय शाइनेस, कि मुझे मतलब थोड़ा सा शाय फील होता था, वाज वन ऑफ द रीजंस ऑफ दिस अलूफनेस. अलूफनेस का क्या मतलब है, कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम पीपल. ठीक है, कि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था, मैं थोड़ा सा शाय था. ठीक है, विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग, कि मुझे अभी ये फील होता है कि मैं गलत था. ठीक है, आई देन हैड द फॉल्स नोशन दैट जिमनास्टिक्स आर नथिंग टू डू विद एजुकेशन. मुझे तब ऐसा लगता था कि जिमनास्टिक्स या फिर फिजिकल ट्रेनिंग का एजुकेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है. टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग. कि मुझे आज ऐसा लगता है कि फिजिकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए मेंटल ट्रेनिंग के साथ साथ. एंड अनदर रिग्रेट दैट गांधी फेल्ट इन लेटर ईयर्स वॉज अब द निगलेक्ट ऑफ राइटिंग इवन अंटिल हिज डेज इन इंग्लैंड. तो एक और क्या रिग्रेट था, देखो पहला रिग्रेट हो गया कि वो मतलब एक्सरसाइज नहीं करते थे, ठीक है, पार्ट वगैरह नहीं लेते थे स्पोर्ट्स में, फिजिकल एजुकेशन में, जिमनास्टिक्स वगैरह में. देन अभी उनका दूसरा रिग्रेट क्या है, कि वो मतलब हैंडराइटिंग, उनकी हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी. ठीक है, ही हैड पेड लिटिल अटेंशन टू हिज हैंडराइटिंग, कि उन्होंने मतलब अपनी हैंडराइटिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था. बट लेटर व्हेन ही सॉ इन साउथ अफ्रीका द ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग ऑफ लॉयर्स एंड यंग मैन बॉर्न एंड एजुकेटेड देयर ही repented of this neglect. ठीक है, फिर जब उसने बाद में साउथ अफ्रीका में, जब वो साउथ अफ्रीका ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, वो पहले लॉयर थे ना, तो जब उन्होंने साउथ अफ्रीका ट्रैवल करके देखा कि मतलब इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है वहाँ के लॉयर्स की, तो उनको मतलब जलन महसूस हुई कि यार मुझे भी ऐसा मतलब अच्छी हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी. टू क्यूट हिम आई सॉ दैट बैड हैंडराइटिंग शुड बी रिकॉर्डेड एज अ साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन. तो वो बोलते हैं कि अगर किसी की बैड हैंडराइटिंग होना, तो समझ जाओ कि उसकी जो एजुकेशन है वो अच्छी नहीं हुई है. आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइन बट इट वॉज टू लेट, कि जब मैं साउथ अफ्रीका में था तो मैंने अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश की, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह की, बट अभी मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था बिकॉज इतने सालों से मैं वही राइटिंग करते आ रहा था. आई कुड नेवर रिपेयर द निगलेक्ट ऑफ माई यूथ. फिर मैं अपने मतलब जवानी के दिनों का जो भी ये सारे निगलेक्ट थे, ठीक है, उनको मतलब रिपेयर नहीं कर पाया. Let every young man and woman be warned by my example. ठीक है, फिर वो क्या बोलते हैं कि हर यंग वुमेन को या फिर हर बच्चे को मेरी example लेनी चाहिए कि भाई पढ़ लो, ठीक है, physical education करो, then मतलब जिमनास्टिक्स वगैरह करो, एक्सरसाइज वगैरह करो, एंड अपनी हैंडराइटिंग का ध्यान रखो. एंड अंडरस्टैंड दैट गुड हैंडराइटिंग इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन. एंड ये भी मानो कि आपकी जो गुड हैंडराइटिंग है, ठीक है, आपकी जो हैंडराइटिंग है अगर वो अच्छी है तो आपकी एजुकेशन भी अच्छी है. ठीक है, गुड हैंडराइटिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का. देन डिस्पाइट हिज रैदर ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एंड एग्जामिनेशंस गांधीज मिडिल स्कूल टीचर मार्क्ड हिज कंडक्ट एज वेरी गुड. कि चाहे उसकी जो मतलब परफॉर्मेंस थी एग्जामिनेशंस में वो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी थी, बहुत ही एवरेज थी, फिर भी जो गांधी के मिडिल स्कूल टीचर थे उन्होंने बोला कि तुम्हारे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड कंडक्टेड हिज मार्क्स एज वेरी गुड. सो द रिकॉर्ड्स आल्सो प्रोवाइड ग्लिम्स ऑफ सम ऑफ द राइटिंग. कि जो रिकॉर्ड थे वो ये भी प्रोवाइड करते थे ग्लिम्स ऑफ सम ऑफ द राइटिंग दैट गांधी डिड इन इंग्लिश पेपर्स. ठीक है, के मतलब उसके जो कुछ रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, उसमें उन्हें मतलब गांधी का इंग्लिश पेपर भी मिला जिसने उसने राइटिंग की थी. सो परहैप्स एन एसे दैट ही रोट अबाउट इन 40 लाइंस ऑन द एडवांटेज ऑफ चेयरफुल डिपोजिशन. तो उसमें उन्हें एक एसे मिला, ठीक है, जो भी रिसर्चर्स वगैरह थे उन्हें एक एसे मिला, 40 लाइंस का एसे मिला ऑन द एडवांटेजेस ऑफ चीयरफुल डिपोजिशन. चीयरफुल डिपोजिशन क्या है, द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर. के अगर एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है या फिर जो क्वालिटीज़ है उसकी क्या एडवांटेज है, ठीक है, उसका क्या महत्व है. इंकरेज हिम टू बिकम दैट रेयर
Yes, encouraged him to become that rare politician who was never known to have lost his temper. ठीक है, तो ये जो ऐसे था उसे इंकरेज किया, ठीक है, और इसी से वो क्या बने, पॉलिटिशियन बने. ठीक है, इसी से उनमें एक फायर जगी कि हाँ मुझे पॉलिटिशियन बनना है. ठीक है, हु वॉज नेवर नोन टू हैव लॉस्ट हिज टेम्पर. नेवर हैव टू हैव लॉस्ट हिज टेम्पर का क्या मतलब है कि कभी गुस्सा नहीं आता था. ठीक है, फॉर 25 मार्क्स ही हैड बीन आस्क्ड टू पैराफ्रेज अ पोएम विच डिस्क्राइब्ड हाउ जीसस वुड रिवील हिमसेल्फ ओनली टू द पुअर पीसेंट नॉट द रिच मैन हुज चैरियट्स वेंट व्हिर्लिंग पास्ट. ठीक है, तो एक उन्हें मतलब पैराफ्रेज लिखने को बोला गया था. पैराफ्रेज क्या होता है, एक मतलब टू राइट इन डिफरेंट वर्ड्स, इन दिस केस प्रोज. ठीक है, कुछ डिफरेंट से वर्ड्स में लिखना एक पोएम को. ठीक है, जो डिस्क्राइब करता हो कि जीसस सिर्फ जीसस क्या होता है, क्रिश्चियंस का गॉड होता है. ठीक है, दैट जीसस वुड ओनली रिवील हिमसेल्फ टू द पुअर पीसेंट, कि भगवान सिर्फ अपने आप को पुअर पीसेंट को ही मिलवाएगा एंड किसी रिच मैन को नहीं मिलवाएगा जो घमंडी हो. ठीक है, और जिसके चैरियट्स वेंट व्हिर्लिंग पास्ट. माइट नॉट दिस एक्सरसाइज हैव स्टॉक्ड एन अर्ली अवेयरनेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस, के स्टॉक्ड मतलब सेट इन मोशन, के इस पैराफ्रेज से जब उन्होंने वो पैराफ्रेज लिखा, ऑब्वियसली उनको मतलब एक अवेयरनेस हो एंड इनजस्टिस की. ठीक है, सच आर द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू अ स्टूडेंट हु लेटर एग्जर्टेड एन इन्फ्लुएंस ऑन काउंटलेस इंडियंस एंड टर्न्ड ऑर्डिनरी टीचर्स लॉयर्स क्लर्क्स एंड द लाइक इन टू नेशनलिस्ट विद हीरोइज्म एंड अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस. ठीक है, तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक स्टूडेंट से रिलेटेड हैं जो अपनी ज़िंदगी में आगे जाके कितने मतलब काउंटलेस कितने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी पे उसने इन्फ्लुएंस किया. ठीक है, कितने सारे ऑर्डिनरी टीचर्स को, कितने सारे लॉयर्स को, कितने सारे नेशनलिस्ट को मतलब सिखाया द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस. ठीक है, अपने आप को सेक्रीफाइस करना अपने देश को बचाने के लिए. इट हैज़ बीन सेड दैट गांधी कुड फैशन हीरोज़ आउट ऑफ कॉमन क्ले. फैशन मतलब टू शेप और मेक. ठीक है, कि मतलब वो कॉमन क्ले से मतलब कॉमन लोगों से भी एक हीरा ढूंढ सकते हैं. ठीक है, जिसको बोलते हैं हम कोयले से हीरा ढूंढना, तो वो भी कर सकते थे. हिज फर्स्ट एंड अनडाउटेडली हिज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वॉज विद हिमसेल्फ. ठीक है, कि मतलब उसका जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट एंड सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था वो किसके साथ था, खुद के साथ. ठीक है, खुद से उसने एक्सपेरिमेंट किया. सो दिस इज अवर चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय.